लाओ बेबी को तो। वाओ, ग्रेट नैना, इतना खुशी का मौका है, बस अब तो पार्टी होनी चाहिए। आई थिंक सो, है ना? नेत्रा आंटी बिल्कुल ठीक है। यस, एब्सोल्यूट, पार्टी तो होनी चाहिए। अरे कृपा को सांस तो लेने दो। इस बात में कोई शक नहीं कि अंगद इस बच्चे से बहुत प्यार करता है, पर वो ऑपरेशन के वक्त मिष्टी के साथ क्यों था? क्यों वो मेरे साथ नहीं था? कृपा, क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो? वो मुझे लग रहा है बहुत दिनों से तुम मुझसे कुछ छुपा रहे। हाँ वो तो है, मैं ना काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। मैंने सोचा एक्चुअली मुझे कह देना चाहिए। आई लव यू। आप दोनों क्या कर रहे हैं? दीदी को सब दिखाई दे रहे हैं। कृपा पूजा कर ले बेटा। मॉम प्लीज यार। अंगद, ये कृपा और बच्चे की सेहत के लिए, इसलिए तुम चुप रहो। अच्छा ठीक है, फिर ले जाओ। बच्चा मैं संभालूंगा ना, अब प्रो है यार, गो। है यार। अरे अंगद, कभी तुमने बच्चों को संभाला है? पता लगे बाद में बेबी तुम्हें संभाल रहा है। अरे मासी, आपको पता नहीं ये बहुत किया है मैंने। I'm very good at it। मैं ना संभाल लूंगा। क्या कर रहे थे? तेरी आवाज सुन के डर जाएगा। ओके क्या यार, अरे लाओ इसे अपने दादा के पास दो। चेरी जी। अरे ला 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 ला, ये रे, इसे कहते एक्सपीरियंस। तू तो कुछ भी नहीं है, तुम दोनों शैतानों को एक साथ पाला है मैंने। देखा कितनी शांति मिली है अपने दादे के पास आकर। क्यों क्यों मेरे लगते जिगर। अरे अरे देख ली शांति। अपना प्यार दे दिया इसने मुझे। लाइए पापा। ये लो बेटा संभालो इसे। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। सब मैंने सिखाए ये सब बच्चा बच्चा सब। मालूम है मालूम है। प्रो यार। इसको सिखा दिया, खुद सब कुछ भूल गया। सुपीरियर प्लीज। अरे छोड़ना यार, देख कृपा और बच्चा यहाँ पर है, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। कम ऑन। नहीं, आई कांट डू दैट। ओके, मैं कृपा और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। चलो यार, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। चलो। हाँ अंगद, तुम जाओ, मैं बच्चे का ख्याल रख लूंगी। कृपा, मैं कैसे तुम दोनों को ऐसे छोड़ सकता हूँ? ठीक है, संभाल लो। अरे इट्स ओके ना, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी लोग बुरा मान जाएंगे ना। आई थिंक आई शुड गो। हां चल ना, मूड चेंज होगा। चल सब सिखा, चल ना। चलो चलो चलो। I would like to propose a toast for the new member of our family, your son. Son. Yes, wishing him lots of health and lots of prosperity. Cheers again. Cheers. You know what, Angad? मुझे लगता है तुझे बच्चे की नैपीज चेंज करने का ना क्रैश कोर्स कर लेना चाहिए। हंसो मत दोनों, तुम दोनों चाचे हो ठीक है? तो वो जो रात को कहानी वानी नहीं सुना दे, तुम उसमें क्रैश कोर्स करो। हेलो कृपा। हाँ अंगद बोलो। मेरा बेबी कैसा है? अंगद, बेबी कह रहा है पापा से कहना वो एकदम ठीक है। बेबी से पूछो कि उसकी मम्मी कैसी है। बेबी कह रहा है कि पापा से कह देना मम्मा उनका वेट कर रही है। बेबी से कहो कि अपनी मम्मी को बोले कि पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो अब ये कहने के लिए भी बेबी की जरूरत पड़ने लगी। वेल हाँ आई लव यू।
यार दिस नॉट फेयर यार, तू यहाँ पर हमारे साथ पार्टी करने आया है या फिर कृपा के साथ? अरे घर से नहीं है। आई मिस्सी। आई एम सॉरी इतनी देर से फोन कर रही हूँ। नहीं मिस्सी, इट्स ओके। कहो, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? अंकल, मुझे अभी तुमसे मिलना है। इट्स वेरी अर्जेंट। अभी? हाँ। प्लीज तुम यहाँ आ सकते हो? अगर बहुत जरूरी है तो मैं आ जाता हूँ मिस्सी। थैंक्स। कहाँ हो तुम? घर पे। अच्छा ठीक है, अभी दया। ऑपरेशन के लिए जो मैंने पैसे दिए थे वो कंपनी अकाउंट से मैंने निकाले थे, और मुझे अभी अभी पता चला है कि कल मिस्टर मित्तल की अकाउंटेंट्स के साथ मीटिंग है। कल दोपहर को वो कंपनी एक्सपेंसेस का पूरा अकाउंट लेना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि इतनी बड़ी रकम मैंने उनके परमिशन के बिना निकाली है तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मिस्टी, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं अंकल, भूल कर भी ऐसा मत करना। तुम्हारा करियर भी हमारे कंपनी के साथ शुरू ही हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से तुम्हारा इमेज या तुम्हारी पोजिशन हमारे कंपनी में खराब हो। वैसे तो मिस्टर मित्तल बहुत अच्छे इंसान है, पर जहाँ बिजनेस की बात आती है तो वो जरा, उन्हें शायद मेरा तुम्हें पर्सनली पैसा देना अच्छा नहीं लगे। तो इसलिए इतने सारे पैसे इतनी जल्दी से कैसे अरेंज हुए? इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मेरा पुणे में एक पर्सनल अकाउंट है, उसमें काफ़ी सारे पैसे हैं। हम वहाँ से पैसे विड्रॉ करके ला सकते हैं। मैं चाहती थी अगर तुम मेरे साथ चल सको तो। ऑफकोर्स। थैंक यू अंकल। हमें अभी निकलना होगा, कल मीटिंग शुरू होने के पहले अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। थैंक यू, तो मुझे कहना चाहिए मिस्टी। थैंक यू सो मच, मैं सब मेरे लिए कर रही हूँ। यू वेलकम अंकल। अच्छा तुम नीचे मेरे लिए वेट करो, मैं अभी आती हूँ। आपने बुलाया मुझे मिस्टर मित्तल? हाँ शीतल। अच्छा सुनो, मैं आज रात को पुणे जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है। अगर मिस्टर मित्तल का फ़ोन आया तो उन्हें याद से कह देना, ठीक है? और उन्हें ये भी कह देना कि मैं कल सुबह की मीटिंग के पहले पहले पहुँच जाऊँगी। ओके। और हाँ, याद से उन्हें दवा दे देना। आप फिक्र मत करिए, मैं दे दूँगी। बाय। चले? चलो। Let's go. ये अंगद मिश्री के साथ क्यों जा रहा है? मिश्री ने मेरी बताया कि वो अंगद के साथ। आखिर मामला क्या है? इतनी रात हो गई, अंगद अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे उसे फोन करना चाहिए। The mobile number you have called is currently unavailable. हेलो कार्तिक। यार कृपा, अंगद कब से घर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा, जरा प्लीज उससे बात करा देना। कृपा, अंगद तो दरअसल थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गया है। वो क्या नाम है उसका यार? मिश्री, मिश्री का फोन आया था, वो उससे मिलने चला गया। थैंक यू अंगद। इस वक्त मिश्री के साथ ऐसा कौन सा जरूरी काम है?
हाँ शीतल बोलो। कृपा मुझे तुमसे कुछ बोलना है। बताओ। मैंने अभी अंगद और मिष्टि को जाते हुए देखा, वो पूना जा रहे हैं। What? वो क्या बात है अंगद, बहुत देर लगा दी पार्टी में। वो क्या है ना कि वो क्या मुझे बता भी तो सकते थे। वो कृपा वो एक्चुअली पता नहीं चला बात कैसे गुजरी है पार्टी में। रियली झूठ कह रहे हो तुम अंगद, तुम एक बार भी मुझसे सच नहीं कह सकते ना अंकल। मैं जानती हूँ तुम रात भर पार्टी में नहीं थे, मिष्टि के साथ थे ना। क्या कर रहे थे तुम दोनों पूरी रात? स्टॉप इट। आइए आइए, सच है कि मैं मिष्टि के साथ हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मेरी जरूरत थी। जरूरत तो मुझे भी तुम्हारी थी अंकल, फिर झूठ क्यों कहते हो मुझसे? क्या कर रहे थे पूरी रात तुम पूना में मिश्री के साथ? Stop it, Kripa. और बार बार उसे तुम्हारी याद क्यों आती है? और कोई क्यों नहीं मिलता उसे? Stop it. Stop it. मिश्री को पूने से एक बहुत बड़ी रकम विड्रॉ करनी थी और वो चाहती थी कि उसके साथ कोई भरोसे वाला इंसान जाए, इसलिए वो मुझे साथ लेके गई थी। मुझे मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला। सिर्फ तुम ही क्यों? क्योंकि वो पैसा हमारे लिए विड्रॉ करने के, हमारे बच्चे के ऑपरेशन के लिए। क्योंकि वो पैसे उसने हमारे लिए कंपनी अकाउंट से निकाले और वो आज दोपहर तक उसे रिप्लेस करने। That's all. मेरे बच्चे का ऑपरेशन मिश्री के पैसे से? तो क्या करता? मैं करता क्या? कृपा अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, मैं किससे पैसे लेता? बताओ मैं किससे पैसे लेता? अवंतिका अग्रवाल से मैं पैसे नहीं लेना चाहता। दामिनी आंटी पैसे देने को तैयार थी और वो बदले में क्या चाहती है ये तुम भी जानती हो। क्या करता मैं? बच्चा दे देता उसको अपना। कृपा अभी सिचुएशन में मिश्री के अलावा मेरे दिमाग में और कोई नहीं आया। इट्स ओके, मैं उसकी कंपनी में काम करता हूं, धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगा उसके।
हाय मिस्टी, मिस्टी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। एक सेकेंड अंगद, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तुम अभी रिहर्सल पर आ जाओ, कल भी रिहर्सल मिस हो गया था ना। मिस्टर मित्तल पूछ रहे थे। मैंने उन्हें कह दिया तुम रास्ते में हो, ट्रैफिक में फंसे हो, प्लीज कह दो तुम अभी आ रहे हो ना। ऑलराइट मिस्टी, मैं आता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मिस्टी के साथ कहीं नहीं जाओगे, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं जाओगे, दैट्स इट। कृपा, वहां मिस्टी से मिलने नहीं जा रहा, मैं रिहर्सल्स के लिए जा रहा हूँ, ओके? सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं जाओगे। देखो कृपा, पहले मुझ पे सिर्फ तुम्हारी जिम्मेवारी थी, अब हमारे बच्चे की भी, और मैं चाहता हूँ कि हम उसकी बहुत अच्छी तरह परवरिश करें, हम उसे दुनिया में सब कुछ दें, और उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। Work is important, and I hope you understand.